स्थिति एकदम फेलियर है। वेस्ट बंगाल को कुछ भी निरापत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री टोटली फेलियर है। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানে এই খুনের যাবতীয় ঘটনা ঘটনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানে। हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग हर पे स्टूडेंट है। स्टूडेंट कभी भी हथियार नहीं होता था, स्टूडेंट सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकता है। दिक्कत जगह यही पुलिस के, दिक्कत जगह यही प्रशासन के। ये 40 मीटर का अंदर उस दिन जब बॉडी पड़ा हुआ था, उस दिन पुलिस कहाँ था? हम लोगों का एक ही मांग है कि हमको जस्टिस मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री को आप, हम लोग अभी मुख्यमंत्री एकदम फेलियर है। वेस्ट बंगाल को कुछ भी निरापत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री टोटली फेलियर है। तो इसलिए हम लोग जो एक डॉक्टर, एक वर्किंग डॉक्टर ऑन ड्यूटी जिसका रेप हो जाता है, और उस मुख्यमंत्री में अभी तक इतना दिन हो चुका है, कुछ भी जस्टिस नहीं मिला है, तो हम लोग क्या लेके आज रास्ते में निकलेंगे? क्या लेके हम लोग अपने काम पे जाएंगे? हम लोगों ने बैरिकेड नहीं तोड़ा था, हम लोगों ने, हम लोगों के अंदर शासक दल का बहुत सारा दुष्कृति मिल गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया, मीडिया भाइयों के कैमरा में वो दिखाई देगा। हमने हाथ जोड़ के उन लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग ईद मत मारिए, ये हम लोगों का शांतिपूर्ण जमायत है। बट उन लोगों ने हम लोगों की एक भी बात नहीं मानी और पुलिस की तरफ ईंट फेंका। हम लोगों की तरफ से कोई भी हिंसा नहीं हुआ है। বন্দ্যোপাধ্যায় জানে এই খুনের যাবতীয় ঘটনা ঘটনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানে, তাই ওনাকে যদি অ্যারেস্ট করা হয় তবেই এই প্রকৃত সত্য ঘটনা করা হবে। ওনাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তবেই অ্যারেস্ট করা হবে। বিনা কারণে আমাকে অ্যারেস্ট করেছে, বিনা কারণ শান্তিপূর্ণ মিছিল করেছে, তাই আমাদের, আমরা জাস্টিসের জন্য আন্দোলন করেছিলাম, তাই আমাদের উপর ছাত্র সমাজ থেকে আমরা हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ एक ही चीज करेंगे। हम लोग का जो दावी है, इसके लिए हम लोग अभी रास्ते पे। आप लोग देखें, पुलिस हम लोग के ऊपर मार रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है। हम लोग कुछ नहीं चाहते, हम लोग हर पे स्टूडेंट है। स्टूडेंट कभी भी हथियार नहीं होता था, स्टूडेंट सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकता है, जो हम लोग कर रहे हैं। और पुलिस हम लोग को मार रहा है, टीयर गैस छोड़ रहा है, ये कहाँ का विचार है? আমাদের হাতে কোনো অস্ত্র আছে? আপনাদের কি মনে হচ্ছে? তার সত্ত্বেও পুলিশ নির্বিচারে লাঠি চার্জ করছে, তার সত্ত্বেও পুলিশ নির্বিচারে টিয়ার সেল ফাটাচ্ছে। এটা শান্তিপূর্ণ মিছিলে এটা কি প্রশাসনের করা উচিত? প্রশাসন তো বলেছিল যে শান্তিপূর্ণ মিছিল হলে তারা সহযোগিতা করবে। এটা কি ব্যবহার প্রশাসনের? নির্যাতিতার অপরাধীরা ধরতে পারে না, অপরাধের তথ্য প্রমাণ লোড করার জন্য কলকাতা পুলিশ সাহায্য করে, অথচ শান্তিপূর্ণ মিছিলে আঘাত করা ঢালা এরা পিছু পা হয় না। দিক্কার জানাই এই পুলিশকে, দিক্কার জানাই এই প্রশাসনকে।
हम लोग शांतिपूर्ण मिचिल कर रहे हैं, इसमें पुलिस हम लोगों को लाठी चला रहा है, कादानी गैस में मिर्चा का पाउडर मिला के हम लोगों को दे रहा है। आप लोग समझिए कि 40 मीटर का अंदर उस दिन जब बॉडी पड़ा हुआ था उस दिन पुलिस कहाँ था, कब था, अभी इतना आदमी क्या कर रहा था भीतर में। उस दिन 163 मेरा देश का आइन लागू नहीं था, आज हम लोग रास्ता में उतरे तो 163 हो गया। ये कैसे हम लोग तो शांतिपूर्ण मिचिल कर रहा है, उसमें पुलिस हम लोगों को क्यों ऐसा कर रहा है। পরিকল্পনা ভেবে আপনাদের কাছে ঢিলা ছুড়েছে, পিট মেরেছে, সাধারণ মানুষকে কেন মারলেন।